कोरोना काल के बाद स्कूल कॉलेज एक बार फिर से खुलने लगे हैं, जिससे छात्र छात्राओं की हलचल बढ़ गई है। स्कूल कॉलेजों की रौनक लौट आई है। वहीं आज सामाजिक नुमा तत्व भी सक्रियता दर्ज कराने लगे हैं। ऐसे ही एक सरफरयासक को हिंडोरिया थाना पुलिस ने पकड़ा कर उसके पास से देसी कट्टा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि हिंडोरिया के जागेश्वरनाथ गर्ल्स हाई स्कूल के बाहर पेट्रोलिंग के दौरान हिंडोरिया थाना पुलिस ने सरफराज नाम के युवक को पकड़ कर जब तलाशी ली तो उसके पास से देसी लोडेड कट्टा बरामद हुआ। दरअसल स्कूल के प्राचार्य और छात्राओं के द्वारा इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उपरोक्त युवक छात्राओं के स्कूल आते जाते समय आगे पीछे होकर चक्कर लगाता रहता है तथा यह पिस्टल भी रखा रहता है, जिसके बाद हिंडोरिया थाना प्रभारी संधीर चौधरी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। दिनांक 22 अक्टूबर को थाना हिंडोरिया में जागेश्वरनाथ स्कूल से कन्याशाला के बीच में पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग मोबाइल की ड्यूटी लगाई गई थी। उसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जागेश्वरनाथ स्कूल के बाहर एक व्यक्ति हाथ में देशी कट्टा लेके आम जनमानस में दहशत फैला रहा है, माहौल ख़राब कर रहा है। तो मुखबिर की सूचना पाकर थाना प्रभारी महोदय इंडोरिया द्वारा और उनके साथ पेट्रोलिंग मोबाइल के मोबाइल ने जाकर वहाँ पर तस्दीक की तो एक व्यक्ति वहाँ पर हाथ में देशी कट्टा लहरा रहा था, जिससे लोगों में दहशत का माहौल फैल रहा था और पुलिस को देखकर वो भागने की कोशिश करने लगा तो पेट्रोलिंग मोबाइल द्वारा उसको घेराव करके पकड़ा गया।